अल्पसंख्यक दिवस के मौके पर पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पसमांदा समाज का समर्थन तो चाहती है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक अधिकारों को पिंगम की तरह चबाया गया और छोड़ दिया गया, अब उनके अधिकारों को समावेशी बनाकर विकास किया जा रहा है। पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी से हमारे संवाददाता अविनाश ने खास बातचीत की है। कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सच्चर कमेटी के नाम पे दलित की बात की गई, आदिवासियों की बात की गई, अल्पसंख्यकों के अंदर दरार डालने की कोशिश की गई। आज मोदी जी का या योगी साहब उत्तर प्रदेश में बिना किसी सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन के ईमानदारी के साथ समाज के सभी वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के विकास और विश्वास के माहौल को बढ़ा रहे हैं। अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति 5 साल में 2 साल 1.5 साल भी जाते तब उसकी नियुक्ति होती है, और ऐसे में जो नियुक्ति होती है तो जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं वो सरकार के लोग होते हैं और वो दफ्तर में पूरी तरह बैठते नहीं हैं। जो जिला प्रशासन में हमारे पीड़ित लोग हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, इन लोगों के साथ जब अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो जिला प्रशासन लेवल पर जब इनको न्याय नहीं मिलता तो ये अल्पसंख्यक आयोग की तरफ आते हैं। तो अक्सर दफ्तरों में वहाँ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य निर्धारित रहते हैं, और अगर कभी मिल भी गए तो उनकी फाइल ले लेते हैं, तो संबंधित अधिकारी को कभी वो तलब नहीं करते हैं कि उनको तलब किया जाए कि इनके साथ अन्याय क्यों हुआ। आज पसमांदा समाज की संगोष्ठी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी जी हैं। आज जो संगोष्ठी है क्या है? आज हम लोगों ने संगोष्ठी की है तमाम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके, और केंद्र सरकार से हम लोगों ने एक मांग की है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है आज, और जो अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए, उनके समाज के उत्थान के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, और संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए जो अधिकार दिए गए वो अधिकार उनको मिल नहीं पा रहे हैं। जैसे अल्पसंख्यक आयोग एक अध्यक्ष को जुडिशली पावर होती है, अगर हमारे लोगों को कहीं न्याय ना मिले वो अल्पसंख्यक आयोग में आते हैं कि जो अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं तो अल्पसंख्यक आयोग में आकर उनके अध्यक्ष उनसे बात करेगा और अधिकारी को तलब भी करेगा। लेकिन अफसोस साथ कहना पड़ रहा है कि अल्पसंख्यक आयोग के साथ साथ अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम का भी गठन हुआ कि उसमें तमाम जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको टर्म लोन योजना भी दी जाए और सब्सिडी भी, ताकि समाज लोग उत्थान कर सकें। लेकिन सरकारें बराबर अल्पसंख्यक आयोग में फंड रिलीज नहीं करती हैं, वहाँ कुत्ते लौटते हैं, और जो भी अल्पसंख्यक आयोग या जो भी मुस्लिम समाज से जुड़े विभाग हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम हो, मदरसा बोर्ड हो, और चाहे फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी मेमोरियल हो, ये जो भी मुसलमानों से जुड़े विभाग हैं, इन सब में अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई और बराबर वो तनख्वाह लेते हैं, लेकिन वो अपने दफ्तर में बैठते नहीं हैं। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया, उसको कैसे? हम घोर निंदा करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, और हम अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की कोई टिप्पणी करेगा, अभद्र टिप्पणी, चाहे वो देश का हो, चाहे वो विदेश का हो, कहीं का भी हो, हम देश का अपमान और अपने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ किसी तरह से टिप्पणी का विरोध करते हैं। घोर अन्याय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। शुक्रिया। तो इतने हमारे साथ अनीश जी, जिनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि इस बार पसमांदा समाज जो है पूरी तरीके से जागरूक हो गया है, और जागरूक होने के बाद ही वो सही कदम उठाएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं अविनाश, एमके न्यूज।